सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉइज टेक्निकल चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एम्प्लॉइज और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉइज टेक्निकल में स्वागत है आप सभी का। तो आज का इस वीडियो में बात करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो कि क्या आपको ड्यूटी का टाइम में मेंटेन करना है और क्या नहीं करना है, तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। यू कैन सी द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 इम्पोज वेरियस रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो कि क्या आपको करना है और नहीं करना है। ये हम एक लिस्ट बनाया जो कि आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ क्या करना है। मेंटेन अब्सोल्यूट ऑनेस्टी ऑल टाइम, मेंटेन अब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी एट ऑल टाइम्स, दोज होल्डिंग रेस्पॉन्सिबल पोस्ट्स मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज, मेंटेन डिसेंट एंड रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट इन देयर प्राइवेट लाइफ, ऑब्जर्व प्रॉपर डेकोरम ड्यूरिंग लंच ब्रेक, रेंडर प्रॉम्प्ट एंड कॉर्टियस सर्विस टू द पब्लिक, रिपोर्ट टू द सुपरियर्स द फैक्ट ऑफ योर अरेस्ट और कन्विक्शन इन ए क्रिमिनल कोर्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड देयर विथ एज सून एज इट इज पॉसिबल टू डू सो, कीप अवे फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन द विसिनिटी नाइबरहुड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, मैनेज प्राइवेट अफेयर्स इन सच ए वे एज टू अवॉइड हैबिचुअल इनडेबटेडनेस और इंसॉल्वेंसी, मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जर्व कर्टेसी एंड कंसिडरेशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, इफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डाउट ड्यू फ्रॉम यू और फॉर एडजस्टिंग यू एज एन इंसॉल्वेंट, रिपोर्ट द फुल फैक्ट्स ऑफ सच प्रोसीडिंग्स टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन गुड फेथ कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू ए पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड द रूल्स मेड दे आर अंडर। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये आपको रूल मेंटेन करना है, जो कि इस वीडियो में सिर्फ हम बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।